गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग वेब डेवलपमेंट के इनसाइड सीएसएस पार्ट में मैंने सीएसएस एनिमेशन टॉपिक पे डिस्कशन किया था, कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को एनिमेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से एनिमेट किया था। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रीवियस क्लास में देखा। आज के क्लास में हम लोग फ्लैक्स बॉक्स मॉडल पे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सीएसएस में एक फ्लैक्स बॉक्स मॉडल होता है, आप उस पे एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दीजिए, कैसे वो काम करता है, क्या होता है, उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमको देकर बताइए। तो हम बताते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है फ्लैक्स बॉक्स मॉडल का, हम लोग क्यों यूज करते हैं, आखिर क्या नीड हुआ कि हम लोग फ्लैक्स बॉक्स मॉडल का यूज किए वेबसाइट डेवलपमेंट में। चलो आज के एक सेशन में हम लोग ये सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो सीएसएस में जो फ्लैक्स बॉक्स मॉडल आया, ये एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज किया गया। और सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स मॉडल के हेल्प से आप फ्लैक्स एलिमेंट को किसी भी वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल डायरेक्शन में आपने अरेंज करना सीखा। या फिर रिस्पॉन्सिव की बात करें तो आप जब भी फ्लैक्स बॉक्स मॉडल यूज करके आप डिजाइन करोगे वेबसाइट का वेब पेज, तो किसी भी डिवाइस में जब आप उस वेब पेज को ओपन करके देखोगे तो उसका लेआउट में कोई डिफरेंसेस नजर नहीं आएगा। कहने का सेंस ये होता है कि अगर आप उस वेब पेज का व्यू अगर आप अपने लैपटॉप में देख रहे हो और उसी वेब पेज को अगर हम किसी प्रोजेक्टर पे एक्सप्लेन दिखाएं या किसी अनदर डिवाइस पे ओपन करके दिखाएं तो उसका लेआउट में चेंजेस नहीं होना चाहिए। जो आपके स्मार्टफोन में दिख रहा है, जो आपके लैपटॉप में दिख रहा है, वैसा ही उसका लेआउट किसी भी डिवाइस में जब हम उसको देखें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। फ्लैक्स बॉक्स का मॉडल का मेन होता है फ्लैक्सिबल मॉडल। ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आइटम्स का जो आइटम्स होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल के फॉर्म में उसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो फ्लैक्स बॉक्स मॉडल जब आप यूज करोगे तो इसका दो पार्ट होगा, एक पेरेंट्स और एक चाइल्ड। पेरेंट्स में पेरेंट्स का जो भी प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट्स पे अप्लाई करोगे, चाइल्ड यानी चाइल्ड का जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप यूज करके देखोगे। चलो हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी आइटम्स को फ्लेक्सिबल बना करते हैं, कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको लिखने का बहुत इजी मेथड है, आप सबसे पहले जो मैं प्रोसेस बताया था आप उसी को यूज करोगे। मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले आप हेड सेक्शन लिखोगे, हेड, टाइटल, टाइटल में आप दे दो वेब पेज और टाइटल को आप क्लोज कर दो। अब हम स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लैक्स का यूज करेंगे। चलो मैंने एक ले लिया, क्लास बना लिया फ्लैक्स, इंटर किया, ब्लॉक ओपन किया, और इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स, इसका बैकग्राउंड कलर ले लिया, बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया रेड, रेड बैकग्राउंड कलर मैंने क्या ले लिया, रेड ले लिया, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। मैंने फ्लैक्स एक क्लास बनाया है और इसमें दो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, डिस्प्ले फ्लैक्स, बैकग्राउंड कलर रेड। अब आप क्या करो, एक डिफ टैग यूज कर लो, डिफ, और इसको भी आप ब्लॉक ओपन कर लो, और इसमें आप नोट करो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आप ले लो अह येलो। इसके बाद इसका जो है फॉन्ट साइज ले लो, फॉन्ट साइज आप ले लो 30 bx, मार्जिन ले लो, मार्जिन 10 px, मार्जिन 10 px, पैडिंग ये भी आप ले लो 30 px, 30 px। अब आप क्या करो, इसको क्लोज कर दो, और स्टाइल को क्लोज कर दो, स्टाइल को आप क्लोज कर दो, और हेड को आप क्लोज कर दो। आपका जो है वो हेड सेक्शन कंप्लीट हो गया, बॉडी सेक्शन में आ जाओ, बॉडी सेक्शन में आ जाओ, बॉडी, और यहां पे आप क्या करो, आप एक डिव ले लो, और यहां पे यह स्पेसिफाई कर दो क्लास इज इक्वल टू डबल कोट और फ्लैक्स, और इसको एंटर कर। इसी टाइप से आप क्या करोगे, कुछ और डिव ले लो, जैसे मैंने फर्स्ट डिव लिया, इसमें लिखा होम, और इस फर्स्ट डिव को क्लोज कर दिया। अबाउट डिव को क्लोज कर दिया, कॉन्टेक्ट, अस, और इस टिप को मैंने क्लोज कर दिया, और मेन डिप को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या किया, बॉडी क्लोज किया, HTML को मैंने क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो देखेंगे क्या कि एक जो फ्लैक्स है वो बैनर के तौर पे ऊपर में आएगा और उसमें कुछ चाइल्ड जो उसका एलिमेंट्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। चलो इसका अब हम आउटपुट देखते हैं। आप इसका आउटपुट हम देखते हैं यहां से,
हम यहाँ पे आते हैं और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ से आउटपुट देखते हैं। एक कंप्लीट फ्लैक्स बॉक्स मॉडल की तरह दिख रहा है। एक मिनट अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो और बैकग्राउंड कलर रेड इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बैक जाओगे और इसको आप मिनिमाइज कर लो और यहां से आप व्यू करके देखो। आप यहाँ पे व्यू देख लो, इस टाइप से व्यू देखो। तो देख रहे हो क्या कि ये जो आइटम्स है एक कंप्लीट एक टैब के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो देख रहे हो तुम। हाँ, एक कंप्लीट जो है इस फॉर्मेट में दिख रहा है। आप जब इसका आउटपुट देखोगे तो कुछ इस टाइप से आपको दिखने को मिलेगा। आप यहां से देख लो ये आउटपुट, ये आउटपुट देखो, ऐसा आउटपुट दिख रहा है। देख रहे हो ना, होम अबाउट कॉन्टेक्ट। अब इसका जो मार्जिन है, पैडिंग है, फॉन्ट का साइज है, ये तुम खुद से करके देख सकते हो। ये सारा चीज तो तुमको इस टाइप से दिखेगा। अब इसमें ये जो बैकग्राउंड तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा पेरेंट्स है और ये तुम्हारा चाइल्ड एलिमेंट्स का। अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है और पेरेंट्स का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है। अब हम उसको नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो उस पेरेंट्स के कुछ प्रॉपर्टी और चाइल्ड के कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे। आप इसको मिनिमाइज कर लो और ये देखो इसका सिंपल सा कोड है, आप इसको इस टाइप से देख सकते हो। देखो है ना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो CSS फ्लैक्स बॉक्स मॉडल के इनसाइड। इसका दो टाइप्स होता है, एक पेरेंट्स एलिमेंट्स और एक चाइल्ड एलिमेंट्स, ये दोनों पे हम डिस्कशंस करेंगे। उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके हेल्प से हम लोग एक अच्छा सा टैब डिजाइन करेंगे, एक अच्छा सा मेनू डिजाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Have a nice day.